दोस्तों अक्सर हमारे बीच क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर एंड व्हाई वी यूज डोमेन कंट्रोलर। तो आज का जो ये मेरा लेक्चर रहने वाला है इसी के ऊपर रहने वाला है। आप वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो वीडियो शुरू करो उसके पहले बता दूँ, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं लॉगिन कंप्यूटर्स। व्हेन वी इंस्टॉल ADDS यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मशीन बिकम डोमेन कंट्रोलर। यानी कि अगर हम कोई एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस किसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो उस सर्वर को हम डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ADDS है ये माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का एक सर्विस होता है। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक हम सिस्टम ले लेते हैं और इस सिस्टम पे हमें इंस्टॉल करना होगा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का कोई भी एडिशन, चाहे वो 2012 R2 हो, 16 हो, 19 हो, 22 हो, हम इनमें से कोई भी एडिशन इंस्टॉल कर सकते हैं इस पे। और मैंने भी एक वीडियो अभी बनाया था VMware पे जो इंस्टॉल किया हूँ मैं, सर्वर 2022 की वीडियो है वो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से वॉच कर सकते हैं कि हम सर्वर को कैसे इंस्टॉल करेंगे सिस्टम पे, जो कि मैंने वर्चुअली VMware पे बताया है। तो आप इनमें से कोई भी एक वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हमें एक सर्विस इंस्टॉल करनी होती है जिसका नाम है ADDS। इस सर्विस को इंस्टॉल करते ही हमारा जो सर्वर होता है वो डोमेन कंट्रोलर बन जाता है। तो दोस्तों मेरी आने वाली वीडियो में मैं ADDS की सर्विस को इंस्टॉल करके और कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा आपको। तो चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देख लीजिए, ऑन माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ए डोमेन कंट्रोलर इज ए सर्वर कंप्यूटर दैट रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट लॉग इन इन चेकिंग परमिशन ETC विथ इन ए विंडोज डोमेन। इसका मतलब है कि आपका जो डोमेन कंट्रोलर है वो ऑथेंटिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके नेटवर्क में कोई भी यूजर नेटवर्क से कनेक्टेड किसी भी सिस्टम पे लॉगिन करना चाहेगा तो उसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले हमारे डोमेन कंट्रोलर के पास आएगी, तब डोमेन कंट्रोलर अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि क्या उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो मेरे डेटाबेस में है या नहीं। अगर उसका यूजर नेम और पासवर्ड उसके डेटाबेस में होता है तो वो डोमेन कंट्रोलर उसे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराता है कि वो हमारे नेटवर्क पे लॉगिन कर सके। तो चलिए आगे देखते हैं यूज ऑफ डोमेन कंट्रोलर्स। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज यूजर्स ग्रुप्स कंप्यूटर प्रिंटर एक्स्ट्रा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपका जो यूजर्स ग्रुप कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स जो होते हैं ये सारे के सारे आपका डोमेन कंट्रोलर हैंडल करता है थ्रू ऑफ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मान लीजिए कि नेटवर्क में मेरे पास कुछ कंप्यूटर लगे हुए हैं और कुछ ग्रुप्स भी हैं और एक यूजर है, इन सभी को हमारा डोमेन कंट्रोलर ही है जो कि हैंडल करता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए मान लीजिए कि यहाँ ये मेरा एक यूजर है, ये यूजर यहाँ हमारे इस डोमेन कंट्रोलर में क्रिएट रहता है, ये यूजर नेटवर्क में लगे किसी भी सिस्टम पे लॉगिन कर सकता है। मान लीजिए कि ये यूजर आज यहाँ पे लॉगिन करता है, यहाँ पे जैसे ही यूजर और पासवर्ड हम डालेंगे इसका तो इसका रिक्वेस्ट सीधे इस मशीन पे आएगी जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है। ये डोमेन कंट्रोलर अपने इस डेटाबेस में, जो कि मैंने बताया था कि आपके पास एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर होता है, ये वही डेटाबेस होता है जो इस डोमेन कंट्रोलर के पास होता है। ये कंट्रोलर इसी डेटाबेस में इस यूजर या किसी भी यूजर को चेक करता है, अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट पाता है तो ये सर्वर इस यूजर को यहाँ पे लॉगिन करने का परमिशन दे देता है। तो यही हमारे डोमेन कंट्रोलर का काम होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं यूजर एंड ग्रुप ऑथेंटिकेशन, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया है। अब यहाँ पे आगे एक ऑप्शन है बेटर पासवर्ड मैनेजमेंट का, मीन्स आप अपने सर्वर से ही अपने पासवर्ड को मैनेज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जो हमारा यूजर है ये यूजर यहाँ पे लॉगिन करे, चाहे यहाँ पे लॉगिन करे, चाहे कहीं भी लॉगिन करे, उसको हर एक सिस्टम पे अपना अलग अलग पासवर्ड से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि यूजर अगर पासवर्ड को भूल भी जाता है
तो आप यहीं से सर्वर पे बैठ के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ऑप्शन है बेटर पासवर्ड मैनेजमेंट का, जो कि सेंट्रलाइज मैनेज होता है थ्रू डोमेन कंट्रोलर। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। जी हाँ, आप डोमेन कंट्रोलर के थ्रू आप सॉफ्टवेयर को भी डिप्लॉय कर सकते हो। इसका क्या यूज है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आप अपने डोमेन कंट्रोलर के थ्रू छोटे छोटे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप डिप्लॉय कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्रोम ब्राउज़र है या मोजिला ब्राउज़र है, मुझे ये क्रोम ब्राउज़र जो है अपने नेटवर्क में ये लगे हुए जितने भी सिस्टम हैं इस पर इंस्टॉल करना है। एक तो ये तरीका हो गया कि मैं इन सिस्टमों पर जा के एक एक करके इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूँ, चाहे वो एडोबी हो, क्रोम हो, मोजिला हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं थ्रू द नेटवर्क। मान लीजिए कि मेरे पास 4 कंप्यूटर है तो मैं यहाँ पे मैनुअली जा के भी इजीली इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास 50 से 500 कंप्यूटर है नेटवर्क पे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं सभी सिस्टमों पे जा के इस क्रोम को इंस्टॉल करूँ। तो यहीं पे हमारा डोमेन कंट्रोलर क्या करता है, इस सॉफ्टवेयर को डोमेन कंट्रोलर के थ्रू नेटवर्क पे डिप्लॉय कर सकता है। यानी जैसे ही ये यूजर इस सिस्टम पे लॉगिन करेगा, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही इसके ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो डोमेन कंट्रोलर है वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों, इस तरह से और भी कई तरह की चीज़ें यूज में आती हैं जो कि डोमेन कंट्रोलर के थ्रू होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक और चीज़ होता है ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी भी हमारे डोमेन कंट्रोलर के थ्रू ही मैनेज किया जाता है, जिसके थ्रू हम कई सारी पॉलिसी यूजर और कंप्यूटर्स के ऊपर लगाते हैं, जिससे कि डोमेन कंट्रोलर ही हमारा उसे कंट्रोल करता है। जैसे कि ग्रुप पॉलिसी में हो गया आपके यूजर के डेस्कटॉप पे वॉलपेपर हो गया, उसका कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना हो गया, या तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ड्राइव ब्लॉक करना हो गया, या तो कहें तो नोटपैड हो गया, और भी कई तरह की चीज़ें ब्लॉक करने की पॉलिसी हम लगाते हैं थ्रू द ग्रुप पॉलिसी, जो कि हमारा डोमेन कंट्रोलर के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। तो इस तरह की और भी कई चीज़ें होती हैं डोमेन कंट्रोलर में, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बस ये जानकारी के लिए था कि डोमेन कंट्रोलर क्या होता है और मेन इसका क्या उद्देश्य होता है यूज करने का। तो आशा करता हूँ कि आपको डोमेन कंट्रोलर के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।